बगुला भगत और केकड़े की कहानी। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आँखें भी कमजोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ, तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है, वह कभी नहीं सूखता, यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भक्त जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के 12 हो गयी। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर खा जाता। कभी मूड हुआ तो भक्त जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को छट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भक्त जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुँचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है, वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठां ठां करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं है, मैं एक एक को पीठ पर बिठा कर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ, आज तेरी बारी है। केकड़ा सारी बात समझ गया, वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। कहानी से सीख, किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए।